नमस्कार, टीवी इंडिया के बुलेटिन खबर दिनभर में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के दिनभर की खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत की। अब सीएपीएफ के जवानों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। इस योजना के जरिए केंद्रीय सशस्त्र बलों के करीब 10 लाख जवान देश भर के 24,000 अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। उनके 50 लाख परिजनों को भी इसका फायदा मिलेगा। योजना की शुरुआत करते हुए शाह ने कहा कि सीएपीएफ के सभी जवानों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ योजना शुरू करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से अच्छा दिन नहीं हो सकता। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके इस नारे ने आज़ादी की लड़ाई में युवाओं में जोश भर दिया था। 130 करोड़ की आबादी भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसका परिणाम है ये सफलता। और हमारे सीएपीएफ के जवान, पुलिस के जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रथम पंक्ति में पाए गए। चाहे लॉकडाउन की अनुपालना करानी, चाहे कोई बीमार को अस्पताल पहुंचाना हो, चाहे लॉकडाउन तोड़ने वालों को विनय से अपने घर वापस भेजना हो, चाहे एयरपोर्ट पर सुचारू व्यवस्था करनी, चाहे अस्पतालों की सुरक्षा करनी, कहीं भर भी पुलिस और सीएपीएफ के जवानों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और पुलिस और सीएपीएफ के कई जवान संक्रमित भी हुए और उन्होंने अपनी जान भी गंवाई, परंतु लड़ाई में इन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। किसान संगठनों ने दावा किया है कि 26 जनवरी को किसान परेड के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें मंजूरी दे दी है। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारी ट्रैक्टरों पर सवार होकर 5 अलग अलग रास्तों से दिल्ली में दाखिल होंगे और इस दौरान करीब 100 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे। हालांकि पुलिस ने कहा है कि बातचीत अभी आखिरी दौर में है। किसानों ने ट्रैक्टर परेड का रूट लिखित में नहीं दिया है। जब वो हमें रूट बताएंगे तब हम फैसला लेंगे। किसानों ने इसे किसान गणतंत्र परेड का नाम दिया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड सरकार की एक विशेष पहल देखने को मिली। आज उत्तराखंड के एक गाँव में रहने वाली 19 वर्षीय बालिका सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। इस मौके पर सृष्टि ने विभिन्न सरकारी कार्यों की समीक्षा की और सरकार के 12 विभागों ने सीएम सृष्टि को 5-5 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया। बता दें कि हरिद्वार के दौलतपुर गाँव की रहने वाली सृष्टि PAM PG कॉलेज के एग्रीकल्चर में BSc कर रही हैं। सृष्टि साल 2019 में गश इंटरनेशनल लीडरशिप में शामिल होने थाईलैंड भी गई थी। ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर आज फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और मोदी सरकार कर इकट्ठा करने में व्यस्त है। बता दें कि एक सप्ताह में 4 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। इस वक्त पेट्रोल और डीजल अब तक की सबसे ऊंची कीमतों पर बिक रहा है। गौरतलब है कि कीमतों में वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 85.70 रुपये और मुंबई में 92.28 रुपये हो गई है। इसी प्रकार दिल्ली में डीजल के दाम 75.88 रुपये और मुंबई में 82.66 रुपये हो गई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने शनिवार को कहा कि भारतीय वायुसेना ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन अर्थात DRDO के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और इसमें 6ठी पीढ़ी की कुछ क्षमताओं को भी जोड़ा जाएगा। भदौरिया ने कहा कि 8 राफेल विमान भारत पहुँच चुके हैं और 3 इस महीने के अंत तक पहुँचने की उम्मीद है। फ्रांस में भारत के कुछ पायलट प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं और कुछ भारत में ही प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमारे पास पायलट कॉकपिट का सही अनुपात है। उन्होंने कहा कि हमारा वर्तमान दृष्टिकोण 5वीं पीढ़ी के विमानों के सभी नवीनतम प्रौद्योगिकी और सेंसर को शामिल करना है। हमने थोड़े विलंब से 5वीं पीढ़ी के विमान पर काम करना शुरू किया है, इसलिए तात्कालीन प्रौद्योगिकी और सेंसर को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में शामिल किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में राम मंदिर के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की नागरिकता का मुद्दा छेड़ते हुए कहा कि नागरिकता कोई भी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नागरिक नहीं होते, सभी धरती पुत्र होते हैं। सोनिया गांधी नागरिक हैं,
फॉर्म भरकर सरकार द्वारा निर्धारित पैसा जमा करके व्यक्ति नागरिक बन सकता है और सोनिया गांधी ने वही रास्ता अपनाया है। अमेरिका ने ताइवान पर चीनी सेना के दबाव को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इस प्रकार की डराने धमकाने की रणनीति क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने शनिवार को कहा, ताइवान सहित अपने पड़ोसियों को धमकाने प्यासी के प्रयासों को लेकर अमेरिका चिंतित है। एक बयान में उन्होंने बीजिंग से अनुरोध किया कि वह ताइवान पर अपने सैन्य राजनीतिक और आर्थिक दबाव को समाप्त करके लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए ताइवान के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक बातचीत करे। ईस्ट एशियाई देश मंगोलिया से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मंगोलिया के पीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा एक महिला के साथ गलत व्यवहार करने के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित महिला मरीज एक नवजात बच्चे की मां भी है और उसे कम कपड़ों में ही अस्पताल से बाहर निकलने को कहा गया। इस महिला को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट होने को कहा गया था। वीडियो में महिला ने सिर्फ अस्पताल के पैजामा और प्लास्टिक की चप्पल ही पहनी है, जबकि बाहर का तापमान उस दौरान -25 डिग्री सेल्सियस था। वहीं मंगोलिया में परंपरा है कि बच्चे के जन्म देने के बाद किसी भी महिला को एक महीने तक घर से बाहर नहीं निकलना होता है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हजारों युवाओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पीएम ने महिला से माफी मांगी और पद से इस्तीफा भी दे दिया। मुंबई में एक ड्राइवर ने ट्रेवल एजेंसी द्वारा पैसा चुकता न करने पर एजेंसी की 5 बसों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक आत्माराम ट्रेवल एजेंसी की 5 बसें एक महीने में फूंक डाली गई। 24 दिसंबर को भी 3 बसों में जब आग लगाई गई थी, उस वक्त कहा गया कि बसों में बैटरी का काम चल रहा था, इसलिए शायद बसें जल गई। लेकिन 21 जनवरी को जब फिर 2 बसें जली तो पुलिस ने शक के आधार पर जांच शुरू कर दी, जिसमें पुलिस को मालिक ने बताया कि अजय सारस्वत नाम के एक व्यक्ति से उसकी कुछ दिन पहले अनबन हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने 24 वर्षीय अजय सारस्वत को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि उसने ही सभी बसें जलाई हैं, क्योंकि मालिक ने उसके बकाया पैसे नहीं दिए थे। अजय के मुताबिक उसने ट्रेवल एजेंसी मालिक से बदला लेने के लिए ऐसा किया, जिसमें ट्रेवल एजेंसी के मालिक को 3 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक को लगातार कमजोर करने में जुटी शिवसेना ने आज बीजेपी के एक और पूर्व नगर सेवक को तोड़कर अपने खेमे में शामिल कर लिया। दीघा वार्ड की यादव नगर के दबंग कार्यकर्ता राम आशीष यादव महीने भर में गणेश नाइक को छोड़ने वाले 5वें भूतपूर्व पार्षद हैं। बीजेपी राम आशीष यादव की नियत पर भी सवाल खड़े कर रही है। जिस शख्स ने 10 दिन पहले महाअघाड़ी पर यह संगीन आरोप लगाया था कि उन्हें बीजेपी छोड़ने के लिए पुलिस के जरिए फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, आज वही शख्स उनकी गोद में जाकर बैठा है। बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि यह गणेश नाइक के साथ गद्दारी नहीं तो और क्या है। बीजेपी खेमे में इस दल बदल पर जहां चिंता है, वहीं शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की जयंती पर इसे एक तोहफा मान रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपको कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।